है हेलो गाइज, मेरा नाम इमरान, आप सभी के लिए फिर से एक नई एक्साइटिंग वाला वीडियो लेकर हाजिर हूँ दोस्तों। आई होप आप सभी लोग बढ़िया ही होंगे। तो गाइज, मेरा जो आज का जो कुछ इस तरह के फोटो को कुछ इस तरह के बनाने का, तो आज का टॉपिक बहुत ही यूनिक है, तो पूरा वीडियो देखना दोस्तों। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग पहले ही बैकग्राउंड को ओपन कर लेते हैं पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर, जिस बैकग्राउंड को हम लोग शेयर कर देंगे पिक्सार्ट एप्लीकेशन में। तो दोस्तों फाइनली जो हो गया हमारा बैकग्राउंड पिक्सार्ट एप्लीकेशन में ओपन, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग इस बैकग्राउंड का हम लोग इफेक्ट पे जाके सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, जो हमारा पिक का क्वालिटी वो कितना अच्छा दिखे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा ऐड फोटो है ना, वो ऐड फोटो के अंदर हमारा जो मॉडल है उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा मॉडल है उसको हम लोग ऐड कर लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको हम मॉडल को ऐड कर लेंगे, ठीक है। जो बैकग्राउंड का हम मॉडल का बैकग्राउंड को इरेज कर देंगे, तो कटआउट टूल्स को यूज करेंगे, ठीक है। ऐप पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे पिक को, हो गया हमारा एडजस्ट। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, एडजस्ट हो गया। फिर से हम लोग ऐड फोटो के अंदर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक इस PNG को हम लोग ऐड कर लेंगे दोस्तों, इसको हम लोग ऐसे ही करेंगे। इसके बाद रबर पे क्लिक करके इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, इतना, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे इरेज कर देंगे रबर वाला टूल पे, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको हम लोग बढ़ा देंगे, डन कर देंगे, ठीक है। जो हमारा देखिए कितना अच्छा लग रहा है, जो हम यहाँ पे ब्लैक वाला इफेक्ट दे दिया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जाएंगे इफेक्ट पे, ठीक है। इफेक्ट पे जाके सैचुरेशन को बढ़ा देंगे 100। उसके बाद हम लोग इसको ब्रश कर देंगे ड्रॉ टूल्स के अंदर, ड्रॉ कर देंगे, हो गया है। उसके बाद इसको भी पेन को भी कर देते हैं, ठीक है। जो देखिए हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर से इफेक्ट पे जाएंगे, इफेक्ट पे जाके फिर से कलर पे जाएंगे, कलर पे जाके इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और इस जो को यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, हम लोग यहाँ पे रखेंगे, डन कर देंगे। देखिए ये वाला ड्रेस आ गया, फिर से इफेक्ट पे ही जाएंगे। उसके बाद या टेक्स्ट पे जाएंगे, ऑयल पिन पे जाएंगे, ऑयल पेंटिंग पे जाएंगे, 10 रखेंगे। इसको हम लोग कर देंगे ड्रॉ, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद फिर से जाएंगे इफेक्ट पे, फिर से जाएंगे आर्टिक्स पे, उसके बाद फर्टल वन पे जाएंगे, इसको रखेंगे 92, ठीक है। 92 रखने के बाद फिर से हम लोग सट पे इरेज कर देंगे, जो हमारा हो गया। उसके बाद दोस्तों हम लोग जाएंगे ड्रॉ टूल के अंदर, जो ड्रॉ टूल का हम लोग कलर सिलेक्ट करेंगे कुछ ये वाला, और हम लोग जूम करके
यहाँ पे चश्मे पे कलर कर देंगे। अच्छा देखिए, ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको कलर को हम लोग सेव कर देंगे कीचे इस तरह का दिखेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग टूल्स पे जाएंगे, टूल्स पे जाके एडजस्ट को हल्का सा बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम ड्रॉ टूल के अंदर जाके पिक को कर लेंगे सेव। जो एप्लीकेशन यूज करूँगा वो होगा लाइटरूम एप्लीकेशन, ठीक है। तो हम लोग पिक को सेव कर दिया, आ गया हूँ यहाँ पे। इसके बाद शेयर कर देते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। दोस्तों सारे ऐप्स अभी दोस्तों जो भी पीएनजी यूज हुआ है ना बैकग्राउंड, वो भी सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसके बाद हम लोग ऑटो में करेंगे, ऑटो में जाके यहाँ पे हाईलाइट को बढ़ाई कर रखना, शैडो को थोड़ा सा रखना, एक्सपोज को भी बढ़ा के रखना, ठीक है। यहाँ पे मिक्स टूल के अंदर जाते हैं, मिक्स टूल के अंदर जाके इसको हम सैचुरेशन को घटा देंगे। उसके बाद इस वाला सैचुरेशन को घटा देंगे, ठीक है। और जो हाँ इसको हम लोग सैचुरेशन को बढ़ा देंगे, इसको भी सैचुरेशन को बढ़ा देंगे, इसको भी सैचुरेशन को बढ़ा देंगे, इसको भी सैचुरेशन को बढ़ा देंगे, इसका भी सैचुरेशन को बढ़ा देंगे, इसका भी घटा देंगे, ठीक है। वो ये होगा, इसको लाइट ज़्यादा आना चाहिए फेस पे, ठीक है। ठीक है, कितना कूल दिख रहा है पिक। इसके बाद जाएंगे एक्सपोर्ट्स पे, यहाँ पे भी लाइट को बढ़ा देंगे, ठीक है। इसके बाद जाएंगे इस पे, यहाँ पे इसको रखते हैं, क्लैरिटी को रखते हैं इतना, और इसको रखते हैं इतना, इसको रखते हैं इतना, ठीक है। यहाँ पे हो गया है हमारा पिक तैयार। इसके बाद हम लोग कर देते हैं सेव। तो वीडियो कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और बुरा होगा तब भी कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका कमेंट से ही हम लोग को मालूम पड़ता है कि मेरा वीडियो में कौन कौन सा चीज़ गलती हो गया है, ठीक है।